इधर राजधानी में चप्पल चोर गैंग का खुलासा हुआ है। चप्पल चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। 2 साल से चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ये गैंग सक्रिय थी, लेकिन अब गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। तो डकैती ये गैंग लगातार करती थी। 4 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। गैंग के अन्य फरार सदस्यों की तलाश भी जारी है। तो भोपाल क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई है। बड़ा एक्शन लेते हुए राजधानी में चप्पल चोर गैंग का खुलासा हुआ और 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से काफ़ी बड़ी मात्रा में नकबजनी की वारदातों रिकवर होने की हमें जानकारी आई है, और इसके अलावा इन मामलों में गिरफ्तार कर इनकी बरामदगी की जा रही है। करीब 2 दर्जन बड़े मामलों का खुलासा इन आरोपियों से किया गया। ये धार के आरोपी हैं जो वहाँ से आकर अपने वाहनों से आकर रात में नकबजनी की वारदात करते हैं। इसे चप्पल गैंग के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग पैर में चप्पल निकाल लेते हैं ताकि कुत्ते और बाकी आवाज़ें कुत्ते इनकी आवाज़ों से ना जाग पाएँ और बाकी लोग भी आवाज़ें ना सुन पाए। इसे हाथ में चप्पल लेकर वो गैंग चोरी कर ये गैंग नकबजनी करता है, इसलिए इसको चप्पल गैंग भी कहा जाता है। चलो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी दीपक द्विवेदी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीपक, राजधानी में 2 साल से ये चोरी की वारदात को पूरी टीम अंजाम दिया करती थी, सक्रिय थी, और चप्पल चोर गैंग इनका नाम है। हालांकि अब खुलासा हो चुका है। जी जी, मैं बता दूं कि ये चप्पल चोर इसलिए इनका नाम है, जब ये चोरी करने जाते थे किसी भी तरह की आहट ना हो, वहाँ चप्पल की आवाज आती तो चप्पल की आवाज ना आ पाए, इसलिए अपनी चप्पल हाथ में उठा लेते थे और फिर उसके बाद पूरी घटना की को अंजाम देते थे। करीब 2 साल से सक्रिय थे। भोपाल के मिसरोद, बागसेवनिया, कोलार और अन्य थानों में इन्होंने नकबजनी, चोरी और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। फिर इन्हें पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद घेराबंदी करके क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की मदद से इन्हें पकड़ा गया। इनमें से 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया जो धार के रहने वाले हैं। हालांकि इनके पास से अभी ज्यादा माल बरामद नहीं हुआ। करीब इन्होंने राजधानी भोपाल और इंदौर धार समेत 30 जगहों पर वारदात को अंजाम दिया। बात करें राजधानी में तो राजधानी में करीब 24 जगहों पर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। तो इन्हें पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। अब और आरोपी पकड़ाएंगे, उसके बाद इनके पास से करोड़ों का माल मिलने की संभावना है। जी निश्चित ही दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हर आरोपी का एक अपना पैटर्न होता है और इनका ये अनोखा पैटर्न, जहाँ चप्पल चोर गैंग इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जब भी चोरी करने जाते थे तो चप्पल हाथ में उठा लिया करते थे, जिससे कि किसी को भनक ना पड़े।